Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? अगर आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, अगर आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, तो एक काम कर सकते हैं, वो कुछ ये कि जो भी आपके इष्ट देव है, जिसको आप मानते हो, जिसको आप दिल से मानते हो, आप उनको पूजा कीजिए, आप उनको याद कीजिए, ठीक है? मतलब अपनी लाइफ में हमेशा जब भी कभी आप अच्छा काम करने जा रहे हो ना, या फिर जब भी आप सुबह उठते हो, आप अपने इष्ट देव को याद करो, आप अपने भगवान को याद करो, जिसको भी आप मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप चार धर्म में, और आप अपने अपने देवी देवताओं को मानिए और अपने इष्ट देव को मानिए। अगर आप उनको मानोगे तो आपका दिनचर्या बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? आप सूर्य को नमन कीजिए, आप वायु को नमन कीजिए, आप पृथ्वी को नमन कीजिए और अग्नि को नमन कीजिए। मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, परेशान। तो जब से मैंने अपने इष्ट देव को मानना स्टार्ट करा है, और मैंने खुद में देखा कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और वो चेंजेस शायद अब कुछ दिनों बाद मैं अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा दिनचर्या था, वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगा कि मेरी लाइफ में कितना चेंज हुआ और कितना नहीं। तो गैस मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने ईष्ट देव को याद कीजिए, और आपकी जो भी कोई समस्या है, आपकी जो भी कोई परेशानी है ना, आप अपने ईष्ट देव से बोलिए। शायद नहीं, डेफिनेटली आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे भी मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो और एक और बात गाइस, आप अपने जीवन में है ना, आप अपने जीवन में डेली के रूटीन में आप एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, या कि आप आउटडोर कर सकते हैं या इनडोर कर सकते हैं। आउटडोर जैसे कि मॉर्निंग वॉक कर ली है ना, रेस कर ली, या फिर इसके अलावा सूर्य नमस्कार और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं है ना आउटडोर में, तो आप वो सब कर सकते हैं। और अगर आप इंडोर में करना चाहते हैं तो इंडोर में आप वर्कआउट कर सकते हो,
नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आप अपने डेली के जीवन में अगर ये चीज़ें ऐड करोगे ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, और आप मतलब आपकी सोचने की, समझने की और आपकी जो शक्ति है ना वो तेज हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं मॉर्निंग में जाता हूँ कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर घर, घर पे आने के बाद घर के काम, कॉलेज का स्ट्रेस प्लस घर का स्ट्रेस और भी फिर पढ़ाई, एग्जाम, टेस्ट, ये सारा कुछ लगा रहता है। तो कहने का मतलब मेरे ये, अगर आप अपने डेली जीवन में अगर एक फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ना, या फिर गेम खेल लीजिए, तो आपका ना माइंड फ्रेश रहेगा उस चीज़ को लेकर के। जैसे कि मैं वर्कआउट करता हूँ, वो भी मैं रात को वर्कआउट जाता हूँ 9 बजे से लेके कभी कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, तो मैं इतना लंबा वर्कआउट करता हूँ। मतलब मेरा मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का जो भी स्ट्रेस होता है, इसको स्ट्रेस ही कहेंगे, स्ट्रेस होता है, तो वो सारा का सारा मेरा एकदम फ्रेश हो जाता है। मतलब मेरे माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है वो सब करने के बाद। तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में एक डेली का रूटीन में एक अपनी एक्सरसाइज ऐड कीजिए, आप एक वर्कआउट ऐड कीजिए, या फिर आप एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड कीजिए, जिससे कि आपको रिलैक्स फील हो, जिसकी जिससे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, मतलब मेरे साथ। मैं ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपना 100% दूंगा और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर हो सके तो उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारा चेंजेस देखा है, तो अगर आप कोई परेशानी से, कोई समस्या से अगर चल रहे हैं, कोई एक ऐसी फेज में चल रहे हैं जो कि आपको उसी का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए और मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा, हो सके तो डेफिनेटली दूंगा वैसे तो। और बस इतना ही, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड पीस।